हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको जो है अभी टेंस के बारे में बता रहा हूं, और लास्ट वीडियोज में या पिछले वीडियोज में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ा चुका हूं और बता चुका हूं। आज उसी श्रृंखला में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो पहचान है रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द निकलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी कंटिन्यूस हैं, तीन कंटिन्यूस हैं, उनमें जो रहा शब्द अवश्य आता है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि रहा है कर रहे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और रहा होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। और जितने भी कंटिन्यूस यानी तीन कंटिन्यूस हैं, तीनों में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग जरूर होता है, यानी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। तो इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं सामने मैंने लिख दी हैं आपके, विल बी और शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल सहायक क्रियाएं थी, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी यानी बी और बढ़ा दिया गया है। और जैसा कि मैंने पीछे बता ही दिया था कि किनके साथ शैल आते हैं और किसके साथ विल आते हैं, तो आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और से सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। आप ये बात पीछे ही जान चुके हैं। इसके बाद में इसका रूल्स है, कैसे हम ऐसे वाक्यों की रचना करेंगे। तो सभी वाक्यों में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता पहले रख दिया जाता है, और दूसरे नंबर पर इसका हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट आई और बी में से है तो शैल बी रख देंगे, और अगर ही सी या किसी का नाम है तो विल बी रख देंगे, और फिर हम अपना वर्ब रखेंगे और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इसी प्रकार से निगेटिव में सर्वप्रथम सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट को जो है विल और बी के बीच में रख देते हैं, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, इन दोनों में से एक। फिर इसके बाद में वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड अगर हैं तो रख देते हैं। ये जो नॉट है ना, वो विल और बी के बीच में ही रखते हैं। इसी प्रकार से अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेज की बात करें या प्रश्नवाचक वाले वाक्यों की बात करें, तो अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो हम फिर हेल्पिंग वर्ब से अपना वाक्य शुरू करते हैं, शैल और बिल पहले लगा देते हैं। अगर हम देख लेते हैं कि कर्ता अगर इनमें से है तो शैल रखेंगे, और ही सी या किसी का नाम, दे यू जो भी हो, तो हम फिर बिल रखते हैं, इन दोनों में से एक। फिर दूसरे ही नंबर पर सब्जेक्ट और फिर बी और फिर क्रिया, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इस प्रकार से ये क्या वाले वाक्य बनकर तैयार हो जाते हैं। और अगर WH वाला सेंटेंस है, कब कहाँ क्यों कैसे वाला है, तो उसमें तो सबसे पहले कब कहाँ क्यों की अंग्रेजी लगती है, फिर इसके बाद में शैल या बिल में से एक उसके हिसाब से, और फिर थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर बी, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इस प्रकार से हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस वाक्यों की रचना हो जाती है। जैसे इसके तमाम वाक्य हम लोग बोलते रहते हैं कि जैसे कहें कि मैं अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा, या वे अपना पाठ याद कर रहे होंगे, माताजी भोजन बना रही होंगी, तो इस प्रकार के वाक्य जो होगा और होगी निकलेगा, यानी फ्यूचर में वाक्य जारी रहने का संदेश देता है। जैसे ये कहा जाए कि माताजी भोजन बना रही होंगी, तो
तो इसमें जो माता जी जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, करता हैं, काम करने वाली हैं, तो मदर और फिर विल बी लगा देंगे, मदर विल बी, और फिर जो है खाना बनाने की अंग्रेजी प्रिपेयरिंग लगा सकते हैं, कुकिंग लगा सकते हैं, मदर विल बी प्रिपेयरिंग दी फूड या मदर विल बी कुकिंग दी फूड, इस प्रकार से बट बनकर तैयार हो जाता है। अध्यापक, जैसे अध्यापक हमको व्याकरण पढ़ा रहे होंगे तो द टीचर विल बी टीचिंग अस ग्रामर, इस प्रकार से विल बी के साथ आईएनजी का क्रिया में आईएनजी लगाकर वाक्य को पूरा करते हैं। तो आप अब ये जो है कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए बोर्ड पर रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप इन्हें ट्रांसलेट करिए, और ट्रांसलेट करने में मैं आपकी सहायता यहाँ पर करूँगा। फिर इसके बाद 6-7 सेंटेंस आपको होमवर्क में दे देंगे, आप लोग उन्हें घर पर स्वयं करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द निकलेंगे, तो देखिए इन सारे वाक्यों में रहे होंगे, रहे होंगे या रहा होगा, यही सब निकल रहे हैं। तो इस ये चीज़ देखकर, रहा होगा, रहे होंगे देखकर हम पहचान कर लेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी, शैल बी, मुझे लर्न होगा, हम याद कर लेंगे, स्ट्रक्चर भी याद कर लेंगे, तब हम वाक्य को रूल्स के हिसाब से बनाना शुरू करते हैं। जैसे वे हमारी सहायता कर रहे होंगे, तो वेरी इजी सेंटेंस, बहुत सरल सेंटेंस है। तो बे की अंग्रेजी सभी लोग जानते हैं दे, और इसके बाद दूसरे नंबर पर विल बी, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब विल बी, और प्रतीक्षा करना कि वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इंतजार करना, अप्रतीक्षा करना कि वेट होता है, और उसी में आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो दे विल बी वेटिंग, और हमारी के लिए अस का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से दे विल बी वेटिंग अस का मतलब है कि वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और इसी प्रकार का एक ये वाक्य है कि वे इस समय सो रहे होंगे, तो वे की अंग्रेजी अभी आपने देखा है दे, और फिर विल बी दूसरे नंबर पर, इसके बाद में सोना, सोना की अंग्रेजी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग, ये तो हो गया है। और इस समय की अंग्रेजी एट दिस टाइम लगा देते हैं, एट दिस टाइम। पूरा वाक्य हमारा बनकर तैयार हुआ, दे विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, वे इस समय सो रहे होंगे। और इधर ये दो पॉजिटिव थे, अब ये दो नेगेटिव हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो हम लोग की अंग्रेजी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बी होती है, और बी के साथ शैल का प्रयोग होगा और नेगेटिव है तो फिर नॉट भी लगेगा, तो वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी डूइंग, वी शैल नॉट बी डूइंग, और करना की अंग्रेजी तो डूइंग हो गई, लेकिन कुछ नहीं की अंग्रेजी लिख दीजिएगा नथिंग, वी शैल नॉट बी डूइंग नथिंग। इस प्रकार से ये बात बनकर हम लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी डूइंग नथिंग, और मेरे सभी मित्र मेरी सहायता नहीं कर रहे होंगे, तो मेरे सभी मित्र की अंग्रेजी लिखें ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, और विल नॉट बी, ऑल माई फ्रेंड्स विल नॉट बी, और सहायता करना की हेल्पिंग,
ऑल माई फ्रेंड्स विल नॉट बी हेल्पिंग अस, मेरी के लिए मे भी लगा सकते हैं, हमारी के लिए चलिए ऑल माई फ्रेंड्स विल नॉट बी हेल्पिंग मी। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे? ये दो सिंपल सेंटेंस थे अफर्मेटिव, और ये दो निगेटिव हैं, और ये दो मैंने इंटरोगेटिव लिए हैं। तो ये क्या से वाक्य शुरू हो रहा है? तो क्या से वाक्य शुरू होने के लिए विल और शैल का प्रयोग पहले करते हैं, चूंकि कर्ता तुम है इसलिए विल आएगा पहले, विल और फिर यू, विल यू बी, और अब याद करना कि अंग्रेजी लर्निंग एल ई आर एन आई एन जी, विल यू बी लर्निंग योर लेसन, विल यू बी लर्निंग योर लेसन, ये हो गया। इसके बाद में डब्ल्यू एच वाला वह किसकी कार चला रहा होगा मान लीजिएगा, तो किसकी कार के लिए हूज कार हम लिख देते हैं, हूज कार, फिर विल, फिर ही, फिर बी, फिर ड्राइविंग। तो इस प्रकार से ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हम आपको होमवर्क के लिए और काम दे रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने 6 सेंटेंस दे रखे हैं, आप इन्हें नोट कर लेना, और इसके बाद जो है इन्हें घर पर ट्रांसलेट करने का प्रयास करना। पहला सेंटेंस, पहला और दूसरा दो सेंटेंस हैं, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, तो किसान की अंग्रेजी सभी लोग फार्मर जानते हैं, जोतना की प्लोइंग होती है, वो आप लगा देंगे। और शिकारी हिरण का पीछा कर रहा होगा, तो पीछा करना की आप सभी लोग चेजिंग जानते हैं, और शिकारी की हंटर लगा देना, हंटर, और पीछा करना की चेजिंग। सहायता करना की अभी मैंने आपको बताई थी, इस समय की अंग्रेजी एट दिस टाइम, या उस समय की अंग्रेजी एट दैट टाइम, तो इस समय दिया गया है, तो आप इसको पहले भी लगा सकते हैं, आप बाकी के लास्ट में भी लगा सकते हैं। और ये जो है दो इंटरोगेटिव हैं, पिछले वर्ष की अंग्रेजी आप लास्ट ईयर लगा सकते हैं, और ये जो है किस कक्षा में पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पर पढ़ाना की अंग्रेजी टीचिंग लगा देंगे, अब की अंग्रेजी नाव लगा देंगे, और भिच क्लास किस कक्षा में। तो इस प्रकार आप जो है इन वाक्यों को अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करें, और फिर यहाँ पर फेसबुक पर डाउनलोड करके मुझे भेजिएगा, ताकि पता लगे कि आप लोग भी कुछ रिस्पांस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जो भी आपके जैसे समझ में ना आए, या और कुछ आप अपना कमेंट करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।